बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, 2 कप शक्कर लिया है, अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, 3 टीस्पून लिया है और फ्रूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मिल्क है इसके अंदर डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर रखा है ताकि हम कस्टर्ड को इसके अंदर अच्छी तरह से घोल लें। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर, उसको शुगर मेल्ट होने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए इसको बॉईल आने देंगे और इसको शुगर मेल्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, इस वाले कस्टर्ड में ठंडा दूध इस तरह से मिलाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने, इसके जो है तो हम लम्स नहीं बनने देंगे, अच्छी तरह से इसको घोल लेंगे। ये देखिए इसको ठंडे दूध में ही घोलना है। अच्छी तरह से देखिए दूध बॉईल हो रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से घोल दिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। इसका इस तरह से हम डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से इसे गोल गोल इस तरह से चलाना है ताकि दूध के अंदर भी इसका लम्स ना बने और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए ये एकदम ठीक हो गया है, बराबर से अच्छे से हो गया है। मैंने इसके अंदर मलाई वाला दूध लिया था, इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई दिख रही है। देखिए हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर अमूल क्रीम मिलाएंगे। ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है, इसके अंदर डाल दिया हमने इसमें अच्छे से, देखिए मिक्स कर दिया। अब इसको हम रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे रखेंगे क्योंकि समर सीजन है और जितना वो ठंडा होगा उतना ही खाने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसको 2 घंटे के रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। फिर उसको निकालने के बाद इसके अंदर हम फ्रूट्स मिक्स करेंगे। देखिए मैंने ये बाउल लिया है, इसके अंदर पूरे फ्रूट्स डाल लिए हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो फ्रूट्स आप डालें। अब इसके बाद में ये कस्टर्ड जो हमने रेफ्रिजरेटर में चिल कर लिया था उसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये देखिए मैं इसको क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ, आप जैसा चाहे डेकोरेट करें अच्छे से। देखिए ये देखिए मैंने इसे इस तरह से डेकोरेट किया है, आप भी करें और अपने फैमिली वालों को खिलाएं और एंजॉय करें मेरी रेसिपी ठंडी ठंडी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।